Sepulcro? Frictionless surface? एक ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है। ये दो वाल है, वाल के बीच में गैप है, जिस गैप में इस प्लैंक को हम लोग रखे हैं, ठीक है। तो ये दाएं बाएं नहीं जा सकता, ये बस ऊपर नीचे मूव कर सकता है, और ये जो है सो फ्लोर पे रखे हैं, ये बस हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है। ये एंगल थीटा है, इसका मास ले लो M1, इसका मास ले लो M2, बता दो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा। एक काम इसमें एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालना है, और इसके बाद तो फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्वेशन लिख के सोल्व करना है। जो एक्सेलरेशन में रिलेशन लिखने वाला काम है उसको हम लोग दोनों तरीका से कर सकते हैं, एक मोशन कॉन्स्टेंट से किसको मूव करेंगे देखेंगे ये कितना मूव कर रहा है, या फिर एनर्जी के कॉन्सेप्ट से। अगर तुम मोशन से देखना चाहोगे कि ये अगर यहां से यहां आया उतना टाइम में ऊपर वाला प्लैंक यहां से शिफ्ट होके यहां चलाएगा, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो इस पॉइंट को देखें जो दोनों में कांटेक्ट में है, ये पॉइंट वर्टिकल M1 के लिए इतना नीचे मूव किया है, और M2 के लिए ये पॉइंट यहां से यहां आया हॉरिजॉन्टली। ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, इसका एक्सेलरेशन अगर हम लोग A1 मानते हैं, इसका एक्सेलरेशन A2 मानते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं A1 और A2 दोनों का रेशियो tan थीटा के बराबर होगा। तो A1 by A2 tan थीटा हो जाएगा। अगर इस काम को तुम एनर्जी से करना चाहो तो जितना इस पे वर्क हो रहा है नॉर्मल, जितना इस पे वर्क कर रहा है उसका ठीक निगेटिव वर्क नॉर्मल इस पे करेगा। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है सो इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स इधर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, और दोनों के बीच में एंगल, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। ये समझ में आ रहा है, और इसमें ये नॉर्मल है और ये वर्टिकल का डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच में एंगल थीटा होगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, यहां पे मान लेते हैं ये अगर डिस्टेंस लेके बात करना चाहिए, लेकिन हम लोग देख रहे हैं जो रिलेशन डिस्टेंस का आ रहा है वही फाइनली एक्सेलरेशन का जा रहा है, तो हम डायरेक्ट यहां पे एक्सेलरेशन लिख देना है। तो इसका एक्सेलरेशन अगर हम लोग A1 मानते हैं तो यहां पे वर्क कितना होगा निगेटिव में, एन वन इंटू ए वन इंटू कॉस थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू बीच में एंगल का कोसाइन। तो यहां पे और निगेटिव में वर्क होगा एन इंटू ए वन इंटू कॉस थीटा, और यहां पे वर्क एन इंटू ए टू इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, तो यह आ जाएगा एन इंटू ए टू इंटू साइन थीटा, दोनों को इक्वेट कर लो और तब आ जाएगा ए वन इज इक्वल टू ए टू टेन थीटा, ठीक है। तो तुम इस कॉन्सेप्ट से बनाओ या फिर मोशन से बनाओ, दोनों में रिलेशन आ जाएगा। पर्सनली हम मोशन से बनाना ज्यादा पसंद करेंगे, वो जो है सो एनर्जी है यार, उसमें तुम कह सुन के तो ठीक है मान ले रहे हो, लेकिन तुम अच्छी तरह से अभी ये नहीं समझ रहे हो कि क्यों दोनों पे वर्क इक्वल होना चाहिए। वो हम बोल दिए हैं, तुमको लग रहा है कि हाँ होना चाहिए, थोड़ा देर बाद हम तुमसे पूछेंगे काहे होना चाहिए, तो फिर तुम चुप हो जाओगे, ठीक है। तो जब तुम वर्क एनर्जी पावर में चले आओगे और जब इस बात को समझने लगोगे कि क्यों इक्वल होना चाहिए, तब तुम उसको अधिक कॉन्फिडेंस के साथ यूज कर पाओगे। अभी तुम कर रहे हो तो बस सुना सुनाया बात पे काम भरोसा कर ले रहे हो, बहुत डेंजरस चीज है, ठीक है। तो एनीवे ये समझ गए, अब फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्वेशन लिखना है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे ट्रायंगुलर वेज का, इस पे नॉर्मल इधर की तरफ पड़ रहा है और ये एंगल थीटा है, तो इस नॉर्मल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वही इसको एक्सेलरेशन दे रहा है, तो एन साइन थीटा ये इक्वल हो जाएगा एम टू ए टू के, ठीक है। और इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाते हैं ऊपर वाले का, तो इस पे नॉर्मल ऐसे नहीं ऐसे है, नॉर्मल इधर की तरफ है और यहां से एंगल थीटा बन रहा है, तो और नीचे की तरफ एक ग्रेविटी लगेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में यही दो फोर्स है, तो ये जो ग्रेविटी है M1G उसमें से नॉर्मल के वर्टिकल कंपोनेंट को हम लोग घटाएंगे जो नॉर्मल का कॉस थीटा हो जाएगा, तो हम लोगों को इसका मास इंटू एक्सेलरेशन मिलना चाहिए। तीन इक्वेशन हमारे पास आ गया,
एक इक्वेशन दोनों एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन है, एक इसके फ्री वे डायग्राम से और एक इसके फ्री वे डायग्राम से। इसमें से नॉर्मल को एलिमिनेट करना है तो हम लोग इसको कॉस थीटा से गुना करेंगे, इसको साइन थीटा से गुना करेंगे और ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एम वन जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम टू ए टू कॉस थीटा प्लस एम वन ए वन साइन थीटा। ठीक है, अब जो है सो ए वन के जगह ए टू टेन थीटा रख देते हैं, तो यहां पे ए टू रखेंगे और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। यहां पे ए वन साइन थीटा था और ए वन को ए टू टेन थीटा रखे हैं, तो दोनों का साइन थीटा मिलकर साइन स्क्वायर थीटा हो गया और नीचे वाला कॉस थीटा बच गया। और अब यहां से ए टू का वैल्यू निकालेंगे तो यह आ जाएगा एम वन जी साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एम वन साइन स्क्वायर थीटा प्लस एम टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें तुम एक काम कर सकते हो, साइन थीटा कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे साइन थीटा कॉस थीटा से जब डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा एम वन जी डिवाइडेड बाई एक साइन थीटा खत्म हो जाएगा, साइन बाई कॉस टेन आ जाएगा एम वन टेन थीटा, और यहां पे कॉस एक कॉस खत्म हो जाएगा, कॉस बाई साइन कॉट आ जाएगा। ठीक है, तुम इसके साथ और फर्दर खेल सकते हो, किसको जो है सो टेन थीटा से ऊपर नीचे गुना कर दोगे तो एम वन टेन स्क्वायर थीटा प्लस एम टू आ जाएगा, ऊपर टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है, वो सब खेलने कूदने का काम है, तुमको जितना अच्छा लगे या ऑप्शन जिस फॉर्म में हो उस फॉर्म में तुमको कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, फिजिक्स वाला काम जो है सो तुम ये तीनों इक्वेशन लिख लिए वहां हो गया, रेस्ट जो है सो मैथमेटिक्स है। और तुम्हारे पास ए टू का वैल्यू आ गया है तो उसको टेन थीटा से गुना करके ए वन का वैल्यू निकाल सकते हो। समझ गए, आसान है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए प्लेलिस्ट और वीडियो पर क्लिक करें। नए अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।